9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व आज पुंछ में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौका पर हजारों की संख्या में हर धर्म के लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौका पर गुरुद्वारा भाई रोचा सिंह जी पुरानी पुंछ से नगर कीर्तन निकाला गया, जो पुंछ की मुख्तलिफ जगहों से होता हुआ पुंछ से 8 किलोमीटर दूर गुरुद्वारा नांगली साहिब में जाकर खत्म हुआ। इस मौका पर सभी संगत ने पैदल चलकर पूरा रास्ता तय किया। आज सुबह से ही गुरुद्वारा रोचा सिंह में विशेष कीर्तन दरबार सजाया गया था, जिसमें विशेष तौर पर अमृतसर स्वर्णमंदिर से बुलाए गए जथेदार श्री आखाल तख्त ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने घंटों अपने कीर्तन से गुरुबानी पर आधारित शब्दों का गायन करते हुए संगत को निहाल कर दिया और गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी पर प्रकाश डाला। आपको बता दें कि अमृतसर में जन्मे गुरु तेग बहादुर गुरु हरगोविंद जी के 5वें पुत्र थे। 8वें गुरु हरिकृष्ण राय जी के निधन के बाद इन्हें 9वां गुरु बनाया गया था। इन्होंने आनंदपुर साहिब का निर्माण कराया और वहीं रहने लगे थे। मात्र 14 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ मुगलों के हमले के खिलाफ हुए युद्ध में उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया। इस वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने उनका नाम तेग बहादुर यानी तलवार के धनी रख दिया। अज एक महान नगर कीर्तन जो कि गुरद्वारा पुराणी पुंछ दे विचों कढ़े गए ने गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 400 साल शताब्दी को मुख रखदिया होया यह प्रोग्राम बनाया गया है, जिदे विच समूह मैनेजमेंट कमेटियां गुरुद्वारे दियां जिहड़ियां ने समूह संस्थावां जिहड़ियां ने सारिया संगतां ने बहुत वड्डा सहयोग जिहड़ा है तन मन धन दे नाल कीता है। प्रोग्राम जिहड़ा है एक बड़े वड्डे उच्चे पद्धर ते बनाया गया है। इस प्रोग्राम दे विच विशेष तौर पर जो साडे श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार ने ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी वो भी विशेष तौर पर इतने पुजे ने। श्रीमान मन साहब जी जो कि डेरा सतपुरा नगाली साहब के मुखी ने वो भी इस प्रोग्राम के शामिल ने। एक विशेष जो व्हीकल है गड्डी है जिदे विच महाराज की सवारी जिहड़ी है रखी गई है और कीर्तन जिहड़ा हो रहा है वो विशेष गड्डी जिहड़ी है डिगैना आश्रम तो लिया के इस नगर कीर्तन की शोभा बनाई है। मैं समूह संगतों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ और विशेष तौर पर इत्थे दी एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़ी है वो DDC साहब ने वो SSP साहब ने उन्हां दी समुची टीम है उन्हां दा बहुत वड्डा सहयोग और बाकी डिपार्टमेंट जिहड़े ने सारे ने सहयोग किया है। ये प्रोग्राम इत्थे ऑर्गनाइज होया मैं सारिया संगतों नूं बहुत बहुत बधाई देता हाँ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की। पाल शर्मा फाउंडेशन की तरफ से पूरे सिख कम्युनिटी को जो हमारी पुंछ में है, जो हमारी हिंदुस्तान में है और जो अदर बाकी देशों में है, उन सबको गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत खुशनसीब हैं हम लोग जो हमें 400 साल बनाने को मिला है, क्योंकि 500 साल तक तो क्या पता हम जिंदे ना रहें। लेकिन हम पूरी कम्युनिटी को दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देते हैं और हमारी YPS फाउंडेशन के सारे फाउंडिंग मेंबर्स ने यहाँ शबील लगाई है। हमारी पूरे कम्युनिटी से यही रिक्वेस्ट है, यहाँ से निकलेंगे जब हमारी शबील पी के जाएँ